बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट का इंतजार खत्म हो चुका है। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो भी छात्र इस परीक्षा के लिए शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइटों बिहार बोर्ड ऑनलाइन .bihar.gov.in और results.biharboardonline.com पर जाकर अपना रिजल्ट के साथ टॉपर लिस्ट चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में इस साल पूर्णिया से शिवांकु कुमार टॉपर रहे हैं, वहीं समस्तीपुर के आदर्श कुमार सेकंड टॉपर बने हैं। मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1,00,000 रुपये, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ईबुक रीडर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। पलक कुमारी और SMT हाई स्कूल वैशाली की साजिया परवीन सम्मिलित हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आज जिन विद्यार्थियों ने भी टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है, इन सभी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से अलग से पुरस्कार और लैपटॉप दिया जाएगा। प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 1,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार लैपटॉप दिया जाएगा। द्वितीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 75,000 रुपये और लैपटॉप दिया जाएगा। तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 50,000 रुपये की राशि और लैपटॉप दिया जाएगा और अन्य सभी विद्यार्थियों को भी लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि कुल 51 बच्चे टॉपर्स की लिस्ट में हैं। पिछले 3 सालों से बिहार बोर्ड लगातार सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर रहा है। इस साल 16,64,000 से ज्यादा छात्रों ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दी थी, जिनमें से 13,00,000 से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। पास हुए छात्रों का पास प्रतिशत 82.91% रहा है। इस प्रकार इस वर्ष भी लगातार 6ठे बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने देश में सबसे पहले मैट्रिक का परीक्षाफल घोषित किया और इस पिछले 3 वर्षों से लगातार मार्च माह में ही मैट्रिक का परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है। लास्ट ईयर बिहार बोर्ड 10वीं में 81.04% अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की थी। पिछले साल का रिजल्ट साल 2022 के मुकाबले 1.16% अधिक रहा था। बिहार बोर्ड क्लास 10 मेरिट लिस्ट में 90 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। रिजल्ट प्रोसेसिंग की गति, गुणवत्ता पूर्ण रूप से करते हुए बहुत ही तेज गति से की गई और इस कारण से हाई टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के कारण यह त्रुटि रहित और बेहतर रूप से लगातार 6ठे साल पूरे देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो सभी लोगों के लिए और समिति के लिए विशेष रूप से गौरव की बात है।